वो आ गई गुलाबो, अब देख लो मम्मी तुम्हारे साथ क्या होता है। हाँ? चुप चुप आजा गुलाबो। अरे ओ सासू डार्लिंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई गुलाबो के हस्बैंड की मोटरसाइकिल को रोकने की, बताओ मुझे। अच्छा तो अब तू सिखाएगी मुझे क्या सही है और क्या गलत है। अरे सही गलत को छोड़ो सासू डार्लिंग, घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उस पार्टी में मेरी सहेलियां आई हुई है, इसीलिए मेरे हस्बैंड का मोटरसाइकिल छोड़ दो। और हाँ हस्बैंड जी, हाँ जी, असल बात तो ये है ना कि सासू डार्लिंग को तो पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया, तभी तो गुस्सा हो रही है। चलो शट अप, अपनी बकवास बंद करो दोनों, मुझे बेवड़ों की पार्टी में शामिल नहीं होना है, समझी। ओफो सासू डार्लिंग, बिना बात का गुस्सा क्यों करती हो, पार्टी में आ जाओ बड़ा मजा आएगा, एक एक पैग मारेंगे दोनों सास बहू। गुलाबो तुम्हें शर्म नहीं आती, अच्छे खानदान से होकर भी तुम शराब पीती हो, क्यों अपने माँ बाप की और सास ससुर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। और सुनो सासू डार्लिंग, अब चुपचाप है ना मेरे हस्बैंड की बाइक को ना यहाँ से जाने दो, आपको पता है घर में जो पार्टी रखी है ना उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड्स आई हुई हैं 4-5 और हम सब ने मिलके ना 4 बोतल पहले ही ख़त्म कर ली है, इसीलिए हस्बैंड को भेजा था बोतल लाने के लिए पर आपने तो इसे रोक के ही रख लिया यहाँ पे। और आप जी बोतल लेकर आए हो या नहीं, या ऐसे खड़े हो गए यहाँ आगे। अरे गुलाब को लाया हूँ ये देख। बेशरम जो रुके गुलाम, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ऐसी तो एक ये बेशरम बिगड़ी हुई और एक ऊपर से तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। मम्मी जी ऐसे क्यों मारते रहते हो मेरे को हर वक्त, तुम्हें ऐसे नहीं शिक्षा आएगी। मैडम जी इसका क्या कसूर है, ये सारा दोस्त तुम्हारी बहू में है, वो ही मजबूर करती है इनको शराब लाने के लिए। तुम सही कह रहे हो हौलदार, एकदम से बिगड़ी हुई है, इसके माँ बाप ने ना इसके बचपन में 2-4 लगाए होते ना कान के नीचे तो आज इसकी ऐसी हालत नहीं होती। देखो कैसे बेवड़ी लग रही है, एक नंबर की लग रही है, कहीं से भी अच्छे घर से है, अच्छे खानदान से है, अच्छे माँ बापों की औलाद है, इसमें कौन से गुण है अच्छे वाले। कोई भी नहीं है मैडम जी, कोई भी। अबे हवलदार तो चुप कर, और सासू माँ एक मिनट रुको पहले मैं एक पैग लगा लूं। हाँ। देखो कितनी बेशरम है। पी, पी गुलाबो, पी। अब पता चलेगा। हाँ अब बताओ मेरे पति को पीटोगे आप, क्यों भाई क्या गुनाह कर दिया मेरे पति ने। दूर होके बात कर। अरे दूर क्या पास क्या, क्या गुनाह कर दिया मेरे पति ने, बस मैंने दारू लाने के लिए भेजा था, दारू ही तो लेके आए, अब बताओ घर में कोई दारू की पार्टी भी नहीं कर सकता। देखो तुम में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है शराब की, मुझसे दूर हट के बात करो। क्या कहा सासू माँ स्मेल आ रही है, अरे इसमें से तो खुशबू आती है, खुशबू आपको पता है कि इसका ना एक पैग मारने से ना इंसान जन्नत में चला जाता है, जन्नत में। क्या जन्नत में, जन्नत में तो क्या ऐसे शराब पीती रही ना तो एक दिन नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझी। अरे मेरी सासू डार्लिंग, नरक में जाना भी कौन चाहता है, बस एक मैं और एक मेरी दारू। ऐसे हालात रहे ना तुम्हारे तो एक दिन जरूर जाओगी, समझ जाओ, तुम्हारे लिए मैं सही बोल रही हूँ। अरे सासू माँ आपके बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो करनी है पार्टी वो भी फुल, बस एक काम कर दो जल्दी से जो हमारा ये मोटरसाइकिल है ना इसे जाने दो। मोटरसाइकिल कागज देखे बगैर कहीं नहीं जाएगा, समझी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हम चेकिंग करें, आई बात समझ में। कागज़
बाइक के कागज तो है ही नहीं। नहीं है ना, तो तुम्हारी बाइक बाउंड होके रहेगी, समझी? और दोनों खिसको यहाँ से पैदल। अरे सासू डार्लिंग, आप भी कमाल करते हो। आप पुलिस इंस्पेक्टर और आपके होते हुए मेरी बाइक बाउंड हो जाए। इसमें घर का या चाहे बाहर का कोई भी हो, इसमें कागज कार्रवाई पूरी होने के बाद भी आप जा सकते हो। देखो सासू डार्लिंग, बाइक के कागज तो हमारे पास है नहीं, और रही जाने की बात ना, तो बिना बाइक के तो ये गुलाबो यहाँ से जाएगी नहीं। देखती हूँ कौन रोकता मुझे बाइक ले जाने। अच्छा, मुझे धमकी दे रही हो? कौन रोकता है? हाथ लगा के दिखाओ बाइक के, और देखती हूँ कैसे लेके जाओगी। सासू डार्लिंग, मैं बड़े प्यार से समझा रही हूँ आपको। पार्टी में आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ, लेकिन जो हमारी बाइक है ना, वो तो मैं लेकर ही जाऊंगी। ये बाइक कहीं नहीं जाएगी, इसे तो मैं आज बाउंड करके रहूंगी, समझी? एक मिनट रुको। पैग मार लूं, चलो इसे। बात करती हूँ आपसे। बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें, एकदम बेशरम हो गई हो। देखिए मैडम जी, तुम्हारे सामने ही शराब पी रही है, कितनी बदतमीज बहू है आपकी। ए चुप, मेरी गुलाबों को बदतमीज नहीं बोलने का। चुप जोरू के गुलाम, इस मोटरसाइकिल के साथ साथ तुम्हें भी बाउंड कर दूंगी, समझे? ओफो सासू डार्लिंग, आप बिना हद करती हो। अपने सामने, सबके सामने, मेरे सामने अपने बेटे की हमेशा इंसल्ट करवाती रहती हो। आपको गुस्सा करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे साथ साथ रह के ना इसे आदत हो गई है अपनी बेइज्जती करवाने की। जो तुम करती हो वही काम ये करता है, किसी काम का नहीं रह गया ये। ओफो सासू डार्लिंग, आप बिना हद करती हो। चलो छोड़ो, आप एक काम करो, जल्दी से हमारे बाइक को ना छोड़ दो, हमें पार्टी में जाना है। क्यों जी, देर हो रही है ना। Right. मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। तुम्हारी फ्रेंड्स गिरे कुएं में, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, समझी? आज तो ये बाइक बाउंड होके ही रहेगा। देखो सासू माँ, पहली गलती, मेरी फ्रेंड्स के बारे में कुछ मत बोल देना, समझ गई? और दूसरी बात, जो ये बाइक है ना, ये मैं दहेज में लेके आई हूँ अपने मायके से। देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो गुलाबों की बाइक बाउंड करेगा। सही गुलाबो, सही। खबरदार, जो अपनी जबान निकाली तो। अच्छा, मुझे धमकी दे रही है कि देखती हूँ कौन बाइक बाउंड करता है। ये तो आज होके ही रहेगी, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी पावर है, समझी? देखो सासू डार्लिंग, मैं बड़े प्यार से समझा रही हूँ, मेरा मूड ऑफ ना करो, चुपचाप मेरी बाइक को छोड़ दो, हमें पार्टी में जाना है। तुम तो पहले से ही ऑफ हो रही हो, तुम्हारा माइंड क्या सब कुछ ऑफ हो रहा है अभी? मैडम जी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लग रहा है इनको और इनके मोटरसाइकिल को बाउंड करना ही होगा। तुम सही बोल रहे हो हलदार। अरे क्या सही बोल रहे हो, जब देखो बीच में अपनी टांग अड़ा देगा। तुझे टांग अड़ाने की आदत है क्या? खबरदार, अगर ऑन ड्यूटी होलदार से बदतमीजी से बात की तो अंदर डाल दूंगी दोनों को। और खबरदार, एक ऑन ड्यूटी वाइफ के सामने उसके हस्बैंड की बेइज्जती की तो। हाँ, तुम कौन सी नौकरी लगी हुई हो, मुझे ये बताओ पहले। अरे करती हूँ ना अपने पति की पत्नी सेवा और मेरा, नहीं नहीं छोरी, अपने पति की पति सेवा और मेरा पति करता है ना अपनी पत्नी की सेवा, पत्नी की सेवा। एक मिनट, असर कम हो गया, जवान स्लिप हो रही है। चलो इसे, इतनी बदतमीज है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो भी हमारे सामने शराब पी रही हो। सुधर जाओ वरना कान के नीचे इतना जोर से लगाऊंगी ना, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। देखो सासू माँ, देखो हमारी बाइक बाउंड कर दी, जानबूझ के रोक दी, और अभी एक बाइक यहाँ से क्रॉस हुई है, उसको तो कुछ नहीं बोला, हमसे ही आपकी दुश्मनी है क्या? अच्छा, तो अब तुम सिखाओगी मुझे? तुम्हें पता नहीं वो पहले आए थे, हमने उनके कागज चेक किए। सूक्ष्मदर्शी लगा रखी है। अच्छा,
आपको बड़ी शक्ल याद रहती है कि वो पहले आए थे, उसके कागज चेक करा रखे हैं। मुझे ना सब पता सासू डार्लिंग, आपने करनी है मेरी पार्टी खराब। क्यों जी बोल रहे हो? आपको देखो इसकी भी जुबान कैसे चलने लग गई है। ओ तो चुप कर हवादार, खबरदार अगर एक शब्द भी बोला तो। हमें सब पता होता है, सबका रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। बड़ी आई है समझाने वाली। ठीक है मेरी दारू दे दो, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगी। मम्मी जी मैं जाऊं? थोड़ा इसे, कितनी बार समझाया है। पकड़ो जी सासू डार्लिंग, मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ और आपने मुझ पे हाथ उठाया, इट्स नॉट फेयर। तो अगर जबान निकाली ना अब की बार तो इतनी जोर से और मारूंगी। जुबान क्या, मैं तो मेरे हाथ, मैं तो मेरी लात, सब कुछ निकाल लूंगी जब तक मेरी बाइक नहीं छोड़ोगे आप। हे भगवान, पता नहीं पकड़ गुलाब को क्या होगा इस लड़की का। पकड़ो, कुछ नहीं होगा। आप हमारी मोटरसाइकिल छोड़ दो, हम चुपचाप घर जाके पार्टी करेंगे। क्यों जी? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में? निकलो यहाँ से। क्यों निकलो? अपनी बाइक लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्यों जी? हाँ गुलाबो मैं जाऊँ मम्मी जी। ये ले, तुमने तो इसे सर पे चढ़ा रखा है। और चुप करो सासू डार्लिंग, इनका सिर क्या बुर्ज खलीफा है जो ये मेरे को अपने सिर पे चढ़ाएंगे? अरे सिर पे तो कुछ और चढ़ाया जाता है, बताऊं क्या? ये देखो दारू, एक पैग मार लू। देखा आपने सासू माँ? अरे ओ बेशरम बिगड़ी हुई औलाद, तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, या फिर बेच के खा गई हो? क्यों पीती हो इतनी शराब? ओफो सासू माँ, चलो आप पूछ रही हो ना तो बता ही देती हूँ कि मैं क्यों पीती हूँ इतनी शराब। तो सुनो, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम बुलाने को। बड़ी आई है गम बुलाने वाली। मुझे ये बता तुझे कौन सी बात का गम है, मुझे भी तो पता लगे। तो फिर सुनो सासू डार्लिंग, जब से मैं आपके बेटे से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, तब से आपने मुझे कभी भी चैन से और प्यार से बैठ करना एक पैग भी दारू पीने नहीं दिया। बस यही मेरा सबसे बड़ा गम है। और दूसरी बात, आपने कभी भी अपने हाथों से मुझे एक पैग भी नहीं बना के दिया। अरे पैग तो छोड़ो, वो तो मेरे पति देव ही मुझे बना के दे देते हैं। आपने तो कभी मुझे सलाद काट के भी नहीं दिया। और सलाद तो छोड़ो, जो आप कॉफी के साथ वो मूंगफली खाते हो ना हाथ चखना, उसके लिए भी नहीं पूछा। यही मेरा सबसे बड़ा गम है। देखो देखो एक बाइक और गई और आपने उसको भी नहीं रोका। बस हमारी मोटरसाइकिल क्यों रोक रखी है? उन्होंने अपने कागज चेक करवाए हैं और तुम भी अपने कागज चेक करवाओ और खिसको यहाँ से। अरे सासू डार्लिंग, यहाँ पे खड़े रहने का ना हमें भी कोई शौक नहीं है। एक काम करते हैं, हम ना बिना कागज दिखाए बाइक के साथ खिसक जाएं यहाँ से। हाँ हाँ खिसको, मगर बगैर बाइक के, समझे? निकलो यहाँ से। अरे सासू डार्लिंग एक बात बताओ, कौन से जन्म का बदला ले रही हो आप मुझसे, जो मेरी बाइक को आपको बॉन्ड करने के लिए मिली है? बाकी सबको तो आप यूं ही जाने दे रही हो बिना कागज चेक किए हुए। शट अप। अरे क्या शट अप, सही बोला तो आपको, मिर्ची लग गई क्यों जी? आपने नहीं देखा? देखो कितनी बेशरम है, बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे सासू डार्लिंग मैं तो बेशरम हूँ, मैं तो बेवड़ी हूँ, मुझे तो कोई तमीज ही नहीं है। हाँ हाँ वो तो कहने की जरूरत भी नहीं है, तुम शक्ल से भी बदतमीज बेवड़ी।
हाँ पर आप तो तमीजदार हो ना, तो क्यों हमारी बाइक को रोक रखे और क्यों मुझे सहन कर रही हो, मेरी बदतमीजी को सहन कर रही हो, जाने दो हमें। मम्मी जी मेरी शर्त तो ठीक है, मैं जाऊँ। आप कहाँ चले, आप यहीं पे रुको, मेरे साथ जाओगे आप। बाइक के कागज दिखाओ और बाइक ले जाओ, वरना तुम्हारी बाइक बाउंड। देखो सासू माँ, बाइक के कागज वागज नहीं है मेरे पास, और ये बाइक बाउंड करने की बात ना, तो मैं देखती हूँ बाइक कौन बाउंड करता है गुलाबो की। अच्छा, मुझे धमकी दे रही है, वो भी ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को। तुम्हारी बाइक तो आज मैं बाउंड करके ही रहूंगी। हवलदार इनकी बाइक बाउंड कराओ। अभी रुक हवलदार। सासू माँ, अब तो मुझे शक ही नहीं, पक्का यकीन है कि आप हमारे साथ बदला निकाल रहे हो, बदला बदली का गेम खेल रहे हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ गुलाबो, हाँ हाँ मम्मी जी गुलाबो, बिल्कुल सही कह रही, राइट। चुप रहो वरना खींच के दूंगी ये डंडा। क्यों चुप रहो, अगर आपकी ड्यूटी है ना, तो जो 3-4 बाइक यहाँ से क्रॉस हुई है ना, सबको रोकते, सबके कागज चेक करते। मेरी बाइक के कागज चेक करने की क्यों नहीं मिली आपको? चुप। अच्छा अब तुम सिखाओगी मुझे किसके कागज चेक करने और किसके नहीं करने? तुम्हें पता है या मुझे पता है? ड्यूटी मैं करती हूँ, मुझे पता है किसके कागज चेक हुए और किसके नहीं हुए। हाँ तो कानून के लिए तो सब बराबर है ना जी। हाँ जी, तो सबके कागज चेक करो, हमारे अकेले के क्यों? मुझे मत सिखाओ कानून कैसे करना और कैसे नहीं, मुझे सब पता है, निकलो यहाँ से। ठीक है जी, घर में पार्टी रखी हुई है और मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही है। एक काम करते हैं, बाइक को छोड़ते हैं यही, सासू माँ ले आएगी शाम को अपने आप। चलो घर चलते हैं। मिल तो जानी है शाम को। हाँ? जाए। रुको, कहाँ जा रही हो? हमारी पार्टी है शाम को, पानी यहाँ से जा रहे हो या खींच के डंडे लगाऊं 2-4? अच्छा सासू माँ, अब इतनी दुश्मनी निकाल रहे हो अपनी बहू गुलाबों से आप। चैलेंज देती शाम को घर आना, तब बताती हूँ कि मैं हूँ कौन। चलो निकलो यहाँ से, जा रहे जा रहे, कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। चलो जी। चल गुलाबो, तेरे को बोतल और दे दूंगा। मम्मी जी पानी वाली बोतल दे दे, सांस चढ़ जाएगा कितनी दूर घर जा। अरे चलो जी। बेशरम बिगड़ी हुई औलाद, पता नहीं इनका क्या बनेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी है, वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और आपसे कुछ खास बातें, सबसे पहली बात ये कि जो ट्रैफिक का नियम है, जो ट्रैफिक के नियम है, उनका आप पूरी तरह से पालन करें। और दूसरी बात कि जो इसमें मैंने शराबी का करेक्टर प्ले किया है और जो इसमें मैं शराब पी रही हूँ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये जो करेक्टर मैंने प्ले किया है ये पूर्णतः काल्पनिक है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।